तो गाइस फाइनली हमने थार का नाम रख लिया है और आज से हमारी गाड़ी का नाम होगा जोरावर। सो गाइस यस, हमने इस गाड़ी का नाम जोरावर रखा है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग नाम है, इसका मतलब भी होता है सुपर स्ट्रॉन्ग। और जे कैसा लगा तुम्हें जोरावर नाम? चुम्बेश्वरी जैसे आप कहते हो। तो गाइस जोरावर अब हमारी जिंदगी का पार्ट है, हमारे बेबी की तरह है आज से। तो आज से ही हमारे साथ साइड ट्रिप पे जाएगा, आज से हम इसको जोरावर बोलेंगे। और कमेंट्स में बताओ जोरावर नाम कैसा लगा, हमें तो बहुत अच्छा लगा गाइस, हमारे दिल के बहुत करीब है जोरावर। और देखते हैं आगे का सफर जोरावर हमारे साथ कैसे तय करेगा। सो जोरावर वी लव यू। तो हेयर कम्स आर जोरावर। सो गाइज वेलकम टू दी एम जे सागा फैमिली। आई होप सारे अच्छे हैं। आप लोग सोच रहे होगे ये मैं कहाँ आके खड़ा हूँ, ये हमारी वही पेट लोकेशन है लेपर्ड ड्रिल के पास। तो मैंने सोचा यार कि मॉडिफिकेशन तो करवा ली है, तो क्यों ना उसको ऐसे एटमॉस्फेयर में ऐसी जगह पे दिखाऊँ जहाँ पे थोड़ा सा रिदम में जाए, तो आपको भी अच्छा लगे कि कैसे मैंने एक्सप्लेन करा है। और आई होप जो भी मैंने दो चार चीज़ें चेंज करवाई है गाइज प्रोटेक्शन से रिलेटेड, बिकॉज मैं प्रोटेक्शन पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता। तो आओ देखते हैं कि गाड़ी में क्या क्या मॉडिफिकेशन हुए हैं। सारा काम भरत कार एसेसरी से हुआ है, करोलबाग एंड जेन्युइन एसेसरी मैन्युफैक्चरर है। अब देखते हैं कि गाड़ी में क्या मॉडिफिकेशन हुई है, क्या क्या चीज़ें मैंने चेंज करवाई हैं, वन बाय वन आओ। तो गाइस जैसा कि आप जानते हो थार ओनर्स हो तो सबसे पहले फ्रंट का पोर्शन आता है आपके दिमाग में, दैट मीन्स ग्रिल। सो व्हाट आई हैव चेंज, कौन से ग्रिल मैंने लगाई है, क्या सोच के लगाई है, वो सब मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस ये है लाइनेक्स 7 स्लॉट ग्रिल, इस पे लाइनेक्स की कोटिंग है। ये मेरे को स्पेशली इसलिए पसंद आई क्योंकि ये बहुत कम लोगों ने भी लगाई हुई है। और एक रीज़न भी है क्योंकि जब हम जाते हैं ऑफ रोड पे, जब हम ट्रिप पे जाऊँगा मैं और जे जाएंगे, तो वहाँ पे यार ग्लॉसी वाला शाइन हो सकता है डल हो जाए टाइम के साथ, तो अपनी अपनी प्रेफरेंस है। मेरे को लाइनेक्स पसंद आई तो मैंने लाइनेक्स लगा ली। अब देखते हैं कि कैसा परफॉर्म करती है अपकमिंग ट्रिप्स पे, तो एक बार देखो कैसी लग रही है, बढ़िया लग रही है नहीं लग रही है, तो थोड़ा कमेंट्स पे करके बताओ। और गाइस ये बहुत हार्ड है, स्ट्रॉन्ग है और इससे बहुत टफ लुक। लाइनेक्स की कोटिंग मैंने इसलिए करवाई है क्योंकि बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऑन द वे आती हैं, हो सकता है कि हम ऑफ रोड पे जाएं तो पेड़ फूड बहुत सारी झंकाड़ी झंकाड़ियाँ आएँ, तो इस पर कुछ नहीं होगा गाइस, ये इतना सॉलिड है इस पर कुछ नहीं होगा। अब इसके अलावा जो चेंज करवाया है मैंने, इधर आओ अगर मैं आपको दिखाऊं, तो मैंने हिंजेस लगाए हैं क्योंकि गाड़ी थोड़ी सी लिफ्टेड है, तो ऊपर चढ़ने के लिए हो सकता है कि छत पे कुछ काम हो, तो ये हिंजेस लगाए हैं मैंने। ये पराट के हैं एंड पराट के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। अगर आप क्लोजली देखो तो बहुत ज़्यादा सूदिंग कलर है। मैंने ग्रे कलर इसलिए चूज़ करा है क्योंकि ये ब्लैक कलर के साथ जा रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। इस पर आप चढ़ लो लद लो कोई दिक्कत नहीं है। देखो जैसे मैं इस पर चढ़ जाता हूँ ऐसे, देखो कुछ नहीं हो रहा है, मैं कूद रहा हूँ, बढ़िया लग रहा है, ये करेगा मदद। और ऑफ रोड पे जो मजे आने वाले ट्रिप पे, ओहो सुबहान अल्लाह, इसको बंद कर दे। एक चीज़ लगवाई है, इसके अलावा जो मैंने मेन प्रोटेक्शन का काम करवाया गाड़ी, जो मैं आपको सबको रेकमेंड करूँगा गाड़ी आते ही काम करवाना चाहिए, ये भी पराट की चीज़ लगाई है। ये पराट के हैं और ये देखो तीनों रेडिएटर, सेंट्रल प्रोटेक्शन और फ्यूल प्रोटेक्टर, तीनों की तीनों प्लेट्स मैंने लगाई है प्रोटेक्शन के लिए। थोड़ा सा क्लोजली अगर आप देखो तो ये कलर भी मैंने नाडो ग्रे लिया है क्योंकि ये ब्लैक के साथ जा रहा है। एक जो अगली मॉडिफिकेशन है वो है डेड पेडल की, जो मैंने सिलेक्ट करे थे। अगर आप गौर से देखो ये बुल हॉर्न कंपनी के हैं, इसमें बुल की कार्विंग भी हो रखी है सीएनसी कट, और बहुत स्टडी हैं। अगर आप देखो ग्रिप रबर की ग्रिप भी है ताकि आपके पैर होल्ड करें, और ये पूरा मेटल का नहीं है, इस पर ग्रिप भी है ऊपर, मेटल का तो है, मेटल का प्रोडक्ट है बट उस पर ग्रिप भी लगी हुई है। अगर आप देखो क्लोजली कैमरा जस्टिफाई कर पा रहा है तो, और बताओ ये कैसे लग रहे हैं। और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं लॉन्ग राइड्स पे गाइस, डेड पेडल की ज़रूरत होती है, ऑटोमेटिक गाड़ी है
तो ऐसा कुछ हिसाब है डेड पेडल का, ये भी भरत कार एसेसरी पे आपको मिल जाएगा। तो आई होप ये भी आपको अच्छा लगा होगा। तो ऐसा कुछ है इसका हिसाब। तो गाइज आप देखते हैं जो हमने कुकिंग ट्रे लगाई है ये बहुत स्टडी स्ट्रॉन्ग है। ये भी पराठ की ही है, पराठ का ही प्रोडक्ट है और ये आराम से ऐसे खुल जाती है। तो आराम से गाइज ऐसे खुल जाती है अगर आप देखो, कार की बैजिंग है इस पर। और एक जो चीज़ जो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेगी, इस पर ड्रिल से होल्स होते हैं, इस पर दो पेज इधर ऐसे 8 पेज हैं, तो ये ड्रिल होते हैं क्योंकि ये चाइनीज पेज से तो नहीं टिक सकती। तो गाइस ट्रे ऐसी है कि इसमें जो है CNC कटिंग के साथ देखो होल्डर बना रखा है कुछ ग्लास का, यहाँ पे अपनी स्टोव रख सकते हो, यहाँ बर्नर आ सकता है। आराम से इसको क्लोज करो, इन्जॉय करो और ऐसे आरामदनी से इसे बंद कर दो आप। तो ये था कुकिंग ट्रे का। तो गाइस ये कुछ ऐसी मॉडिफिकेशन की जो मेरे को लगता है कि आप सबको करवानी चाहिए। अगर आप ट्रिप्स पे जाते हो फैमिली के साथ या फिर अकेले जाते हो तो ये सब होना चाहिए यार। ज़्यादा ताम झाम की ज़रूरत नहीं है, ये सब करवाओ, ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, नेसेसरी चीज़ें। आगे कुछ और मॉडिफिकेशन करवाऊंगा तो आपको बताऊंगा, क्योंकि मेरा जो ओवरलैंडिंग सेटअप का प्लान है वो प्रोजेक्ट वो बनने वाला है, कुछ टाइम बचा है, तो सर्दियों की जो ट्रिप होगी वो उस पर करेंगे। तो गाइस ये थी कुछ मॉडिफिकेशन हमारी अपनी जोरावर में। यस जोरावर नाम मेरे को बहुत पसंद है और जे को भी बहुत पसंद है और इसकी पर्सनैलिटी के साथ भी जा रहा है। जोरावर मतलब सुपर स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। मैं दिखा देता हूँ अपनी कैमरामैन को, वो बहुत थक चुकी है। तो ये है हमारी कैमरामैन जे, द पार्ट ऑफ MJ सागा फैमिली। ये बहुत हेल्प करती है हमारी। जे कैसी लगी मॉडिफिकेशन? मॉडिफिकेशन तो बहुत ही ज्यादा मस्त है। अच्छा, मुझे सबसे बेस्ट चीज पता है क्या लिखी है? इसकी कुकिंग ट्रे, क्योंकि अच्छा। इस पे मैं ट्रैवल पे बहुत सारा कुक करने लगी, ये गाइस खाना बनाऊंगी। ये गाइस इसने मेरा मतलब इसने मेरी रातों की नींद हराम कर दी थी कि भाई मेरे को कुकिंग ट्रे चाहिए और ये सब मॉड्स करवाने चाहिए। तो गाइस अच्छा लगता है जब आपका पार्टनर भी इन्वॉल्व हो इन सब चीज़ों में। तो बस ऐसे ही चल रहा है, मौसम का मजा लिया जा रहा है। लेपर्ड ट्रेल जो जगह है, आप आओ अपनी फैमिली के साथ, अपने गाड़ी के साथ, सोलो भी आ सकते हो, फैमिली के साथ भी आ सकते हो। यहाँ पे मंदिर है, ये जो मंदिर है शिव का, यहाँ पे हर कोई आता है। तो अभी भी बहुत गाड़ियाँ आई, बहुत फैमिलीज आई, तो इसके साथ साथ आशीर्वाद भी लो। NI गाड़ी जो है मस्त परफॉर्म कर रही है। तो जल्दी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में किसी मस्त से कंटेंट के साथ। और हमारी कुछ एसेसरी आने वाली हैं ट्रिप से रिलेटेड, तो वो भी आपको दिखाऊंगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, बहुत मेहनत लगती है गाइस, क्योंकि मेरे को 12-13 घंटे अपने ऑफिस में भी देने पड़ते हैं और आप लोगों का प्यार पाने के लिए मेरे को ब्लॉग्स बनाने पड़ते हैं, बिकॉज इट्स माई पैशन। मेरा बहुत टाइम से पैशन है जिसको मैं होल्ड कर रखा था, तो अब क्या है कि अब मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं इसको और होल्ड करूँ। तो इसी के साथ कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मेरे को 4 घंटा सोना पड़े, अगर मेरे को ब्लॉग बनाने के लिए एक्स्ट्रा उठना पड़े। तो अगर आपको कुछ भी मॉडिफिकेशन करवानी है आप भरत कार एसेसरी को कॉन्टैक्ट करो, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप जो भी प्रोडक्ट चाहते हो उनसे डिस्कस करो। क्वालिटी बेस्ड प्रोडक्ट है, मन में लगवाओ आराम से और एंजॉय करो। तो गाइस ऐसी थी हमारी जोरावर की मॉडिफिकेशन। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और ऐसे ही ब्लॉग्स आते रहेंगे। एंड बारिश हो रही है, मैं जल्दी भाग रहा हूँ। सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। बाय बाय, टेक केयर, स्टे मोटिवेटेड एंड लव सागा फैमिली।